हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। हम बात करने वाले गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपना फिंगर लॉक कैसे लगा सकते हैं। तो ये वीडियो में सिंपल सिंपल स्टेप है, आपको उन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपना फिंगर ऐड कर सकते हैं। तो कोई वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद गाइस आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है सिक्योरिटी। तो हमें उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है यहाँ पर। तो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फिंगरप्रिंट। तो गाइस फिंगरप्रिंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अपना ओल्ड पासवर्ड डाल देना है जो आपने डाल रखा है पहले से। तो गाइस यहाँ पर आपको स्टार्टिंग इनपुटिंग करना है और यहाँ पर आपको अपना फिंगर लगाना है। तो गाइस अपना फिंगर इस तरीके से लगाना है और आपको रिमूव करना है। जब तक कि हमारा फिंगर पूरा नहीं लगता, जब तक हमें इस तरीके से अपना फिंगर लगाना है और रिमूव करना है। तो गाइस देखिए हमारा फिंगर जो है पूरा लग चुका है और हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डन। तो हम इसे डन कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको दो ऑप्शन और देखने को मिल जाते हैं, एक फिंगर बन। अगर आप अपने फ़ोन में अपना फिंगर यूज़ नहीं करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपको ऐड ए फिंगर, जैसे कि आप अपने फ़ोन में अपने किसी व्यक्ति का दूसरे का फिंगर लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से दूसरे का फिंगर भी ऐड कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपना फिंगर लॉक लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।